टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी समारोह में गए एक बीजेपी नेता की एक दबंग ने जमकर कुटाई कर दी। मामला वाराणसी का है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान पर यह जानलेवा हमला दबंग आसिफ कुरैशी ने किया है। बीजेपी नेता एक शादी समारोह में गए थे, वहीं पर आसिफ कुरैशी एक उनके परिचित बच्चे को मार रहा था। बीच बचाव करने गए बीजेपी नेता की जान पर तब बनाई जब बच्चे को छोड़कर नेताजी को इस दबंग ने जमीन पर गिरा गिरा कर मारा तो थप्पड़ों की बरसात कर दी। हालांकि पिटाई के दौरान दबंग आसिफ कुरैशी ने अपने साथियों से पिस्तौल भी मांगी। बताया जा रहा है कि आसिफ कुरैशी और नेताजी का पुरानी रंजिश भी है। हालांकि नेताजी ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है, मगर अभी तक आरोपी आसिफ कुरैशी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रविवार रात 11:30 बजे की है। मैं एक शादी वैवाहिक समारोह में मैं सिगाल के समीप एक लॉन है, एवी लॉन में गया था, जहां पहले से ही एक अपराधी छवि का व्यक्ति आसिफ कुरैशी उभरला, जो कई मामलों में वंचित है, वो कि बच्चे को मार रहा था जो वो हमारे परिचित था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उसको मार रहे हो, वो पुराने रंजिश को लेते हुए मुझे तरफ दौड़ा, मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे उस लॉन से नीचे फेंकने की पूरी कोशिश की। इसमें वीडियो में सच मौजूद है, उसने मुझे चाकू से मारने की धमकी भी दी और चाकू लेके दौड़ा गया। फिर क्या थाने पे मुकदमा हुआ? मैं 11:30 बजे रात में पहुँचा, हमारा NCL लिखा गया और मेरा संगठन ने मेरा पूरा समर्थन किया और प्रशासन ने मुकदमा लिखा, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई बिल्कुल और वो फरार है अभी भी। जो आपको मारपीट है, कहाँ का मुकदमा है इनका? इनका जैतपुरा में भी मुकदमा है, आज कोतवाली में भी है और आदमपुर में भी है। इनका अपराध छवि के व्यक्ति हैं और उनका अवैध रूप से ये रात को भैंस और गाय ला के काटते हैं। इस और गाय को ही लेकर एक बार मैंने लिखकर विरोध किया था, आप में बहस हुई थी तो 6 महीना पहले पांडेपुर एक लॉन में ये फिर हमारा सामना हुआ, तब भी वहाँ बहस हुई। 10-20 लड़के हमारे पक्ष मौजूद थे, उनसे भी मैं पूछवा दूंगा कि वो भी इसका विरोध किए हम, लेकिन वहाँ जिस तरह हम लोग चले हैं, क्योंकि हम लोग कामकर्ता आदमी हैं, समाज सेविक हैं, समाज का सरकार करते हैं और अभी तक मेरे खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमे कायम नहीं है, क्योंकि हम लोग साड़ी का व्यापार करते हैं और बस जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। अब क्या चाह रहे हैं न्यायालय से? मैं प्रशासन से कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को समाज जिस तरह वो खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह मुझे इतनी ज़्यादा डर है, वो मुझे असलहा टाइप लेके उस में घूम रहा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है।